क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सोनम। तो सोनम कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद से। हाथरस के पास में? पास में कोई गांव में, वहाँ से आए हो आप? अच्छा अच्छा। तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हलवाई का काम करते हैं। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चली आपको? यूट्यूब से पता लगी कि राम भैया भगत जी गाजियाबाद में बैठते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत होती है जरा दिखाओ आपके साथ? ऐसे निशान हो जाते हैं, मतलब पूरी बॉडी पे ऐसे हो जाते हैं, पेट दर्द है। और ये जो निशान है क्रोच वाले, अपने आप आए हैं? अच्छा, आपकी पीठ पे भी आए हैं, पीछे पेट पे भी, इधर उधर भी आए हैं, है ना? थोड़ा दिखाना पीठ पे बेटा, देखो यहाँ पे। अच्छा, ये निशान आया, बाप रे। हाँ, ये देखो कितने खतरनाक निशान आए। तो ये अपने आप आ गए सबके सामने? अच्छा अच्छा। और भी कुछ होता है आपके आपके साथ? हाँ, जब कभी गुस्से में होते हैं तो थप्पड़ भी मार देते हैं। मतलब कोई अदृश्य शक्ति आपको थप्पड़ मारती नहीं, है? नहीं, आमने सामने बातें होती हैं। आमने सामने बात भी होती है? ऐसी बातें होती है अदृश्य शक्ति से। हाँ। तो ये कब से हो रहा है तुम्हारे साथ? ये मुझे 5 साल होने हुए। 5 साल से? तो किसी को दिखाया नहीं भैया आपने? काफी कोई इंतजाम ही नहीं। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। तो प्रेम शंकर, किसी को दिखाया नहीं इसने आपको? दिखाया है, कोई इंतजाम ही नहीं। कोई इंतजाम नहीं हुआ, बताते हैं मगर इंतजाम नहीं है। बाप रे, बहुत खतरनाक है यार। अपने आप निशान आ जाना, अपने आप कोई अदृश्य शक्ति। अच्छा, जो आपने इंजेक्शन लगवाए डॉक्टर से, तो उसका भी असर नहीं होता? असर नहीं, खो ही जाते हैं वो इंजेक्शन, पता ही नहीं लगता। उस टाइम के लिए असर करती है। मतलब इंजेक्शन ही गायब हो जाएंगे? हाँ, जो रस्सी के इंजेक्शन होता है वो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, तुमने इसके लिए, मतलब ये झूठ बोलती है सच बोलती है, उसके लिए कैमरे लगवाए? कैमरा लगवाए थे, वो भी गायब हो जाते। अच्छा, बाप रे। मतलब जैसे, मतलब एकदम वो जैसे मच्छर से आ जाएंगे एकदम बड़े बड़े, जैसे मूवी में आता था ना, हॉरर मूवी आती है, जैसे कोई चीज आती है तो बिल्कुल बंद। हाँ, ये चीज हमने, ये पहले पहले नाटक आता था टीवी में, मानो या ना मानो, तो हम उसमें दे दे देखते थे भाई किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। मगर आज जो आप बता रहे हो ना कि भाई कैमरा एकदम वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दवा काम नहीं कर रही, डॉक्टर के इंजेक्शन गायब हो जाते हैं, और ये देखिए इसके हाथों में इतने जख्म। मतलब जो रिकॉर्डिंग होती है वो देखते हो? मोबाइल में। अच्छा, रियल जो गोश्त वाला था? हाँ, एनर्जी को पकड़ने वाला। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे रात को पायल की आवाज आ रही है या आपको? तो आप बात करते हो, तो क्या बात करते हो उससे? उससे बातें होती है, वो ये बोलते हैं मैं तेरी, मतलब मंगल लेडी में बोलते हैं ना, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, ऐसे बोलते मैं लेके जाऊंगी तेरे को। मतलब कोई अदृश्य शक्ति इस्लामी मुसलमानी, वो आपसे कहती है मैं आपको लेके जाऊंगी? हाँ। और एक किन्नर भेज देता है, जो कि जैसे निशान हो रहे हैं या फिर और भी चीजें होती है पेट में दर्द, वो करता है, वो खुद अपने मुंह से बोलता है। चक्कर आ जाते हैं, गिर पड़ती है, बड़ी बुरी तरीके से निशान आ जाते हैं, बुरी गिरने के लिए सर में या उसमें। बाप रे, आपकी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है। मगर देखो, नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। और अभी ये लोग हमारे पास आए हैं आगरा हाथरस के आसपास से, तो ये वीडियो इनकी अनुमति लेके हमने बनाई है ताकि लोगों को दिखा सके लोगों पे क्या बीत रही है। एक अदृश्य शक्ति इनके साथ ऐसी ऐसी हरकत करती है, इन्होंने कई भक्तों को दिखाया जो कि आराम नहीं मिला। और मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। तो मेरे दोस्तों, अभी इस बेटी की हम मदद करेंगे और जो भी हमसे बनेगा, जो भी इसका इलाज होगा, प्रॉपर तरीके से इसका इलाज करेंगे, इसकी मदद करेंगे। एक कुछ इसके साथ ऐसा होता है जिस पर विश्वास करना या ना करना बहुत मुश्किल काम है। मगर मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। तो देखिए, इस बेटी के हाथों पे निशान आ जाते हैं, अदृश्य शक्ति इसको थप्पड़ मारती है, यानी कि तरह तरह की हरकतें इसके घर में हो रही हैं। अब इसने मेरा नाम सुना कि गाजियाबाद में कोई राम भैया भगत जी बैठते हैं मोहल्ला मालीवाड़े में, तो हम इसकी मदद करेंगे। ना जाने कितने केस हमने ऐसे ठीक करे हैं, बड़े सरकार छोटे सरकार जो बधाइयों वाले हैं,
पीर बाबा उनकी भी गद्दी लगाते हैं, बालाजी महाराज की लगाते हैं, माता काली की लगाते हैं, बाबा बुलाकी की लगाते हैं। तो चलिए अभी इस बेटे की मदद करेंगे, अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे इसे ठीक करने में। आगे इसका जो भी कर्म होगा उसके आधार पर इलाज किया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। तो चलिए मेरे दोस्तों अभी फिलहाल इससे बात कर लेते हैं। सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप दे सकें, इस दुनिया में बहुत कुछ है अगर आप मानते हो तो। मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता पानी। जय श्री राम, राम राम, जय माता दी।